हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे। तो गाइस यार, आज हम अपने TH 11 पे वापस आ चुके हैं। तो यार आज हम फार्मिंग आर्मीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार मेरे को पता है यार, काफ़ी दिन हो गए तो हमने TH 11 से वीडियो नहीं बनाई थी यार। तो मैंने सोचा यार आज फार्मिंग आर्मी के लिए वीडियो बना ही दूँ। तो ये हमारी फार्मिंग आर्मी ट्रेन है, हमने लिए हैं 2 पैकर्स, 18 माइनर्स, 5 व्हीलर और बाकी थोड़े बहुत वैसे ट्रूप्स। 2 हील्स हैं, 2 रेड्स हैं हमारे पास और 2 हमारे पास हैं फ्रीज। तो गाइस चलते हैं अटैक पे, कोई अच्छा सा बेस ढूंढते हैं जिस पे अच्छी लूट हो, तो उस पे करेंगे अटैक। तो ये बेस पे, तो गाइस इसी बेस पे करते हैं अटैक। ठीक है, लूटनी भी बुरी नहीं है। तो हम अपना स्टार्टिंग क्वीन वॉक से करेंगे। तो इस कैनन के पास से हम अपनी क्वीन वॉक शुरू करेंगे। तो यार मेरे पास सही बताऊँ तो कोई प्लान नहीं है स्ट्रेटजी के लिए। तो बस यार मैं वैसे ही कर रहा हूँ जो होगा हमसे। देखते हैं गाइस यार हम कितना परसेंट निकाल पाते हैं। लूट तो मुझे सारी चाहिए गाइस यार, चाहे 3 स्टार ना हो, क्योंकि फार्मिंग का मतलब ही यही है यार कि 3 स्टार हो ना हो, हमें लूट चाहिए। लूट से मतलब है सिर्फ। तो अभी तक तो हमारा अटैक ठीक चल रहा है। तो हम यहाँ पे रेज कर देंगे क्वीन और हीलर्स के पास, ताकि हमारी क्वीन ज़िंदा रहे। अभी हमें एबिलिटी यूज़ नहीं करनी है क्वीन की। तो बस जल्दी से जल्दी यार मैं चाहता हूँ यार ये ईगल डाउन हो जाए यार, जैसे मर्जी, कि ईगल काफ़ी प्रॉब्लम्स देती है यार माइनर को। तो अरे यार एयर कर दिया गलती से मैंने यार, मेरे को क्योंकि एयर क्या आता था यार ज़्यादातर। तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस अभी तो वेट कर रहे हैं हम, ताकि क्वीन वॉक और अच्छी हो पाए हमारी, थोड़े से और हम अच्छा कर सकें क्वीन वॉक में। तो हमने फ्रीज़ कर दिया क्वीन और एक एक्सपो को। तो हमने अपने वार्डन की एबिलिटी भी छोड़ दी है, तो पीछे से हमारे आ चुके हैं गाई इधर। अभी पैका तो हमने छोड़े ही नहीं गाई इधर, देख लीजिए यार क्या क्या बात कर रही थी यार, हमने पैका छोड़े ही नहीं यार, जो इसके मेन काम था यार जिसका। तो पर चलो कोई बात नहीं यार, हमने पहले ही बताया था मेरे पास कुछ प्लान तो है नहीं इस आर्मी के लिए। तो फिर भी गाई इधर अच्छा वो निकल गया यार, काफ़ी अच्छी सब ऑलमोस्ट सारी लूट निकल गई यार। तो प्लान होना क्या कोई ज़रूरी थोड़ी ना यार, बस लूट निकलनी चाहिए यार, और क्या चाहिए। तो अभी हमारे पास है एक फ्रीज, एक हील पड़ा है और एक हमारे पास रेज भी है। तो हम क्वीन वॉक पे सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस यार आप सोच रहे होंगे कि मैंने लैंग्वेज क्यों चेंज किया है। तो गाइस यार मैं उसका रीज़न बता देता हूँ यार, कि जैसे हमारी आपको पता है यार TH 9 की हर बार वीडियो आती है यार, हर ट्यूसडे को हमने सीरीज़ शुरू की हुई है। तो गाइस यार इस वीक और शायद अगले 1-2 वीक ना आ पाए, क्योंकि यार गाइस सुपर सेल ने हमारा अकाउंट कर दिया है बैन, परमानेंटली बैन कर दिया गाइस यार। मेरे को नहीं पता क्यों हमारा अकाउंट बैन हुआ है, वो भी फ़िशिंग अटैम्प्ट के कारण बैन हुआ है। तो गाइस यार देखते हैं अगर हम रिकवर कर पाते हैं, तो मेरे को तो उम्मीद है यार कि शायद हो जाए रिकवर। तो इसलिए यार उस TH 9 की कोई वीडियो नहीं आएगी कल। तो मैं उसकी बजाय किसी और टॉपिक पे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग कॉपरेट करेंगे यार। मेरे को पता है आप सबको वो सीरीज़ काफ़ी पसंद आई थी, आपको पिछला ऑल जाइंट्स वाला उसका एपिसोड काफ़ी पसंद आया था। पर फिर भी गाइस यार मेरे को पता है, पर आपको करना पड़ेगा कॉपरेट यार। गाइस मेरे को भी नहीं पता COC ने क्या किया है, क्यों किया है। पर यार गाइस आपको पता ही होगा यार कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट बिना वजह बैन हो रहे हैं, लॉक हो रहे हैं। तो गाइस यार COC काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है यार आजकल। तो गाइस आप लोग भी बच के रहें, ताकि आपका अकाउंट कहीं बैन या लॉक ना हो जाए। मैं तो गाइस यार ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहता था, पर फिर भी भाई पता नहीं यार कैसे हमारा अकाउंट हो चुका है बैन। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार, देखते हैं यार अगर रिकवर हो पाएगा या नहीं। उम्मीद है कि हो जाएगा रिकवर यार, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो फिर भी तो यार अटैक तो 3 स्टार हो जाता है, टाइम फेल हो गया, पर कोई बात नहीं यार, हमने सारी लूट निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो गाइस देख लीजिए, बिना किसी प्लान और एक अच्छी स्ट्रेटजी के थ्रू हमने सब कुछ कर लिया है, और बड़ी इजीली हमने बेस को 95% कर लिया है और अच्छी सारी सारी लूट निकाल ली है। तो गाइस यार हम एक और फार्मिंग अटैक करने वाले हैं जाके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस आर्मी को ट्रेन करते हैं। वैसे मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो गाइस आते हैं वापस जब हमारी आर्मी ट्रेन होती है। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं, हमारी आर्मी हो चुकी है ट्रेन। तो चलते हैं अटैक पे, इस बार और अच्छी लूट ढूंढने की कोशिश करेंगे यार, कि इससे भी अच्छी लूट मिल सके। तो इस बेस पे तो नहीं करेंगे अटैक, इस बेस पे करते हैं गाइस। लूट तो अच्छी लग रही है, थोड़ा सा डार्क एलिक्सर कम है और गोल्ड बहुत है, पर यार बेस भी मुश्किल है। TH 12 है, 5 स्टार TH 12 है, और डिफेंसिस भी काफ़ी हद तक मैक्स है। मेरे को तो लगता है यार कहीं हम 2 स्टार तक ही कर पाएंगे शायद, उससे भी मुश्किल होगा, क्योंकि यार आपको पता है मैं तो नूब हूँ, जैसे कि आपको पता ही यार गाइस कि हम इतने अच्छे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो अभी अब सीख रहे हैं अभी हम। तो देखते हैं कि आप सारी लूट तो निकाल पाएंगे, कम से कम आधी लूट तो निकाल पाएं, सारी तो छोड़ो यार मुश्किल हो जाएगा सारी निकालना। तो देखते हैं क्या होता है अब। क्वीन वॉक तो सही चल रही है गाइस हमारी,
तो हम यहाँ पे छोड़ेंगे अपना किंग, ताकि इजीली क्लियर कर दे साइड वाली चीज़ें किंग हमारा, और हमारी क्वीन जाए सीधा अंदर। तो फर्स्ट वॉल ब्रेकर टेस्टिंग के लिए, उसके पीछे एक और वॉल ब्रेकर। अरे यार क्वीन घूम गई, वॉल ब्रेक थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। हमारी एक हीलर डेड हो चुकी है यार सीकिंग एयर माइन की वजह से, और सेकंड हीलर हमारे इस एक्सपो ने डेड कर दिया गाइस। यार तो क्वीन रॉक में अब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो हमें फ्रीज़ करना पड़ेगा इस एडी को, वरना ये सारी हमारी हीलर्स खा जाएगा। तो गाइस यार अभी तक तो ये अटैक पूरा फ्लॉप चल रहा है, तो यार देखते हैं यार कि क्या होता है अब आगे। कम से कम हम लूट तो निकाल पाए हैं, मैंने आपको बताया कोई फ़र्क नहीं है मेरे को यार, किस स्टार्स आते हैं नहीं आते हैं, कितना परसेंट निकाल पाते हैं बेस को। तो बस यार हमें तो मेनली यही चाहिए कि हमें सारी लूट मिल जाए। यार फ्रीज गलत छोड़ दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं यार, ईगल निकल जाए कम से कम अब एक शॉट और। हाँ तो गई थी ईगल तो निकल चुकी है अब हमारी, तो हमारे पीछे से आएगा हमारा वॉल रेकर, हमारे वो ग्रैंड वार्डन और हमारे सारे माइनर्स। तो पैकाज हैं हमारे पास, हमने साइड से छोड़ दिए अपने पैकाज को, तो काफ़ी हैवी डैमेज पड़ रहा है यार कोर में हमको। तो क्या हम टाउन हॉल क्लियर कर पाएंगे या नहीं, तो हम वार्डन एबिलिटी पॉप अप कर देते हैं, ताकि यार जो टाउन हॉल डैमेज कर रहा है उसका कोई ज़्यादा असर ना पड़े। तो मेरे को लगता है यार थोड़ी सी जल्दी मैंने पॉप अप कर दिया यार वार्डन एबिलिटी, थोड़ा सा वेट करते तो और अच्छा होता, पर चलो कोई ना। लूट काफ़ी हद तक मिल, आधी से ज़्यादा लूट मिल चुकी है हमें गाइज। हमारे पास थोड़ा सा क्लीन अप आर्मी है, तो उससे भी हम थोड़ी बहुत लूट निकालने की कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है। हमारे पास टाइम भी कम है, तो वॉल हम इसको यहाँ पे चलिए। अरे यार मर गया ये, तो कोई बात नहीं, चलो भी हमारे पास है एक मिनियन, तो हम मिनियन इस गोल्ड माइन पे छोड़ेंगे, ताकि गोल्ड थोड़ा सा और निकल सकें। तो यार इस बिलून को तो कहीं मर्जी छोड़ दो, इसने मरना ही है यार, पक्का ही है इसका मरना। तो हमारे पास एक और आर्चर है, तो वो भी हम यहीं पे छोड़ेंगे गोल्ड माइन के पास, ताकि गोल्ड माइन निकल सके। तो 5-6 हज़ार और आ गया गाइस हमारे पास। तो यार मैंने यहाँ पे तो छोड़ा ताकि थोड़ा डार्क में निकल सके, क्योंकि डार्क के पास फूट जाएगा। हाँ तो गाइस थोड़ा सा डार्क और निकल चुका है। तो यार अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया यार, ये अटैक बिल्कुल हमने फ्लॉप कर दिया यार, बिल्कुल ही फ्लॉप कर दिया। तो गाइज वैसे ये आर्मी अच्छी है, पर ये बेस भी काफ़ी हद तक मैक्स था। अगर TH 11 होता तो गाइज हम 80-90% निकाल पाते इजीली, और बेस से कर पाते यार। तो गाइज यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार, होप करता हूँ कि आपको आर्मी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।